नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन मतलब रक्षा का बंधन, जो कि भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उसकी कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। उसी प्रकार भाई भी अपनी बहन को ताउम्र उसकी रक्षा का वचन देता है। इसके अलावा भाई अपनी बहन को जीवन भर उसकी रक्षा करने के वचन के साथ एक तोहफा भी देता है, और कई बहनें भी अपने भाइयों को रिटर्न में एक गिफ्ट देती है। तो क्या आप भी इस रक्षाबंधन को सोच रहे हैं कि बहन को क्या गिफ्ट दें? रक्षाबंधन में सबसे बड़ा विषय यह होता है कि एक भाई अपनी बहन को क्या उपहार दे। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को है और इस मौके पर आप अपनी बहन को कोई खास उपहार देना चाहते हैं तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। इसलिए हम आपको गिफ्ट्स के कुछ आइडिया बताएंगे जो आपकी बहन को बेहद खास होने का एहसास करवाएंगे। रक्षाबंधन के लिए 10 उपहार। पहला, चॉकलेट बॉक्स। चॉकलेट एक ऐसा तोहफा है जो सभी को, चाहे बच्चे हो या बड़े, बहुत पसंद आता है। आपको अपनी बहन की पसंद पता होनी चाहिए कि उसे किस तरह की चॉकलेट पसंद है। आजकल बाजार में वो ऑनलाइन बड़े बड़े चॉकलेट के बॉक्स आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो किसी कंपनी की चॉकलेट भी ले सकते हैं या फिर घर की बनी चॉकलेट भी ले सकते हैं, जो आपकी बहन को बहुत पसंद भी आएगी। दूसरा, इयररिंग्स। लड़कियां छोटी हो या बड़ी, उनको इयररिंग्स का कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो उन्हें 7 दिन के 7 इयररिंग्स अलग अलग डिज़ाइन के दे सकते हैं। यह उन्हें बहुत ही पसंद आएगा, वो अच्छा लगेगा जब वे हर दिन अपनी ड्रेस के साथ उसके साथ की इयररिंग्स पहनेगी तो वह बहुत खुश भी होंगी। तीसरा, सॉफ्ट टॉय। अगर आपकी बहन बहुत छोटी है तो आप उसे सॉफ्ट टॉय लाकर भी दे सकते हैं। आप उसे उसकी पसंद का कोई अच्छा सा खिलौना लाकर दें जिसके साथ वह अच्छे से खेल सके। आप कोई ऐसा खिलौना भी ला सकते हैं जो उसके काम भी आए। चौथा, घड़ी। जैसे ही रक्षाबंधन के त्यौहार पर वह आपकी कलाई पर राखी बांधेंगी तो आप भी उसके लिए एक प्यारी सी घड़ी खरीदकर रिटर्न में उसकी कलाई पर बांध सकते हैं। आप घड़ी के बजाय चाहे तो कोई ब्रेसलेट भी खरीद सकते हैं। पांचवा, फोटो फ्रेम। रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपनी बहन को फोटो फ्रेम देना भी एक अच्छा विचार है। इसके जरिए आप अपनी बहन के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। आप इसमें अपनी बहन की या दोनों की या फिर पूरे परिवार की कई फ़ोटो का कॉलेज बनाकर उसको गिफ्ट दे सकते हैं। यह आपकी बहन के साथ साथ आपके पूरे परिवार के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला देगा। छठा, नए नए कपड़े खरीदने का हर लड़की को बहुत शौक होता है और वह आपको कई बार अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए भी कहती होगी। तो आप अपनी बहन को उसकी पसंद की कोई ड्रेस भी लाकर दे सकते हैं। अगर बहन छोटी है तो कोई अच्छी सी ड्रेस अपनी माँ के साथ जाकर भी ले सकते हैं। सातवां, मेकअप किट। आखिर किस लड़की को मेकअप का सामान पसंद नहीं आएगा, इसलिए आप अपनी बहन के लिए कॉस्मेटिक का सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि नेल पॉलिश, आईलाइनर इत्यादि। आजकल बाजार में तरह तरह के मेकअप के सामान पूरी किट के साथ उपलब्ध हैं। आप इनमें से कोई एक अच्छी सी चीज़ पसंद करके अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। आठवां, हैंडबैग। आप अपनी बहन को उसकी पसंद के अनुसार कोई हैंडबैग गिफ्ट कर सकते हैं। आपको बाजार में कई तरह के हैंडबैग मिल जाएंगे।
आप उसकी पसंद के अनुसार कोई एक अच्छा सा हैंडबैग खरीदकर उसे रक्षाबंधन पर दें। नवा नॉवेल, अगर आपकी बहन पढ़ने की शौकीन है और उसको कहानियाँ पसंद है तो आप उसको कोई नॉवेल का सेट भी गिफ्ट कर सकते हैं। आप बस यह पता लगाने की कोशिश कीजिए कि उसको कौन सी वो किस टाइप की कहानियाँ ज़्यादा पसंद है और उस टाइप की कोई नॉवेल आप ऑनलाइन ऑर्डर करके उसे गिफ्ट दें। दसवां डिज़ाइनर डायरी, अगर उसको लिखने का शौक़ है तो आप उसे डायरी गिफ्ट कर सकते हैं जिसमें वह आपके द्वारा दी हुई डायरी में अपनी चीज़ें लिखेंगी तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको बाज़ार में व ऑनलाइन साइट्स पर कई तरह की स्टाइलिश डायरी मिल जाएंगी, तो अपनी बहन की पसंद के अनुसार एक अच्छी सी डायरी चुनें और उसे रक्षाबंधन पर गिफ्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।